हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 465। और आज हम बनाने जा रहे हैं कीवी श्रीखंड। तो चलिए देखते हैं कि इस यूनिक सी रेसिपी के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए होगा। यहाँ पे मैंने लिया है कीवी का पल्प, इसका मैंने छिलका उतार के इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। साथ में मैंने लिया है हंगकर्ड, ये मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ खरबूजे के बीज, क्योंकि इस श्रीखंड के साथ फ्रेंड्स सिर्फ यही अच्छा लगेगा। काजू बादाम पिस्ता आपकी मर्जी है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे है पाउडर शुगर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। तो फ्रेंड्स, कीवी श्रीखंड बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बोल में डालूंगी अपनी हंगकर्ड। दही को मैंने 2 घंटे के लिए कपड़े में डाल के लटका दिया था, इससे उसका सारा पानी निकल गया है। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे कीवी का पल्प। चलिए 1 चम्मच डालते हैं कीवी का पल्प। इसके साथ में डालेंगे शुगर, पाउडर शुगर है ये। आप कीवी को टेस्ट करके देख लीजिए, अगर कीवी काफ़ी खट्टी है तो ज़्यादा पाउडर शुगर डालिएगा, अगर कम खट्टी है, मीठी है कीवी, तो आप कम शुगर रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इसके कलर को इन्हांस करना है तो आप इसमें फूड कलर भी डाल सकते हैं, ग्रीन थोड़ा सा डालेंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आप बिना इसके भी खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। देखिए इससे इसका प्यारा, बहुत ही प्यारा कलर आने वाला है इस पर। साथ में हम इसमें डाल देंगे मगज, खरबूजे के बीज थोड़े से, बस। चलो इसको अच्छे से चलाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा कीवी का श्रीखंड बनके बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे अपनी सर्विंग डिश में डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा श्रीखंड बिल्कुल बनके रेडी हो चुका है। मैंने इसे गार्निश किया है कुछ कीवी स्लाइसेस से और साथ में खरबूजे के बीज से। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।